ये देखो अ न्यू मेंबर इन द हाउस, विवेक कुमार लेकर आया, इसलिए विवेक कुमार की ज्यादा पूछ हो रही है। ये विवेक कुमार की पूछ नहीं है, ये जो पूछे गए अंशी की है। पर विवेक कुमार के नाम से चल रही बात है। लेकिन वफादार निकलेगी एक दिन में, उन्हीं के नीचे बैठ रही जा जाके। पता है कि ये लेके आया तो अभी हमें, हम इनके संरक्षण में कर रही है अपना। अच्छा ये क्या रखा है? में लग रखा है सामान। भैया कल बर्थडे है इसलिए वो मम्मी फेशियल कर रही है। आप क्या हो गए? अभी तो मैं जवान, अभी तो मैं जवान। ये देखो ये हमारी एक नई बालक, इसका 15 को इसका हुआ करेगा, 16 को मेरा हुआ करेगा। मैंने उनको सिखाया, मैंने कहा लेजर कटिंग थोड़ा सा ऐसे बाल लेके हल्के से ऐसे कट मारो, उन्होंने ऐसे कट मारा, मेरी गर्दन पकड़ी और यहाँ से कट मार दिया और मेरी गर्दन काट दी। ऐसे ऐसे ट्रेनर बताओ, ट्रेनर नहीं स्टूडेंट्स। ट्रेनर तो आप ही हो। तो अंशी मैडम मेकअप कर रही है, अंशी मैडम वो तो कट जाएगा, तो एडिटिंग में कटेगा। अब ऐसे थोड़ी ना कटेगा वीडियो में से, बीच में से। बड़ी दिक्कत है भाई। हाँ अंशी ये क्यों पैड क्यों लगा जाता है, हाथ पे तकिया क्यों लगाया जाता है? ताकि हाथ को नींद आ जाए। मेरे पूरे वैनिटी में सबसे सस्ता यही है, 350 रुपए का। कितना खर्च, कितना महंगा, कितना खर्चीला सामान। तुम मुझे 350 रुपए देगा। गाइस वेलकम बैक टू द ब्लॉग, टुडे इज 16th of May, आज मम्मी का बर्थडे है और आज हम बहुत सारी प्लानिंग करने वाले हैं। मैं अभी नहा के आऊंगी। करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं? मैं नहीं दिखाया अपनी शक्ल। तो आज हमारे घर में एक, कल आया था एक्चुअली, एक पप्पी आया है, है ना अंशी? तो अभी हमने उसका नाम क्या रखा है, अभी नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अभी डिसाइड नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में नेम सजेस्ट कर सकते हो। एंड मेरा मतलब उसकी ब्रीड जो है वो लासा है, तो मैं तो चाह रहा हूँ कि उसका नाम भी लासा ही रख दो, ताकि कोई पूछे कौन सा कुत्ता है तो कह दो लासा, सबको पता भी चल जाएगा, ब्रीड भी पता चल जाएगा, नाम भी पता चल जाएगा। तो ये अभिषेक अभिषेक राज जौहरी आज शेफ बने हुए हैं। तुम्हारी तरह तो नहीं, जैसे केक बनाया और उसकी ब्रीड लगा दी। तुमने भी बनाया था, वो खराब बने तो तुमने भी बनाया था, अच्छा बनाओ तो मैंने ही बनाया था। तुम्हारी बर्थडे गर्ल ना धो के तैयार होने गई हुई। आज हमारे घर पे बन रहे हैं छोले भटूरे, जो कि बना रहा हूँ मैं, बिकॉज आई एम क्वाइट स्पेशलिस्ट इन छोले भटूरे।
इन्हें चढ़ा दे पीछे से चोट लगा दे। चलो चढ़ो ऊपर, चढ़ जाओ। हाँ गुड गर्ल। ये देखिए टमाटर कट रहे हैं, बड़ी जोरों में टमाटर काटे जा रहे हैं। अरे बेचारे पिचक गए। तीन तीन लोग खाना बना रहे हैं, प्रसून भैया, लेक्सी और डर गई जैसे मिक्सी ऑन की। अब इतना देर से नहीं डरी। आजा मेहर बनो यार थोड़ा। बन गया टमाटर पिस गया। चलो आओ बैसनवीराज, बैसनवीराज तैयार हुई है आज ब्लॉग में आने के लिए। देखिए यार तैयार हुई है, मतलब कपड़े पहने हुए आज इन्होंने आज अच्छे, ताकि कि ये ब्लॉग में आ सके। यो ये लगा छोलों का छोका। ये अभी हमने इसमें डाले हैं खड़े मसाले, और खड़े करे थे पहले मसालों को, फिर डाल दिया जो कि हमने खुद से बनाया था, अभी कूट कूट के इस कूटिंग वाले यंत्र में। कूटिंग कूटिंग वाला यंत्र कहते हैं। ये सोले हैं। हाँ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मुंदा। टिंग 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 टिंग। डालूं प्याज? अपने कम से हाथों से बनाए चौड़ाई। प्याज डालूं? हाँ क्या हुआ? या अल्लाह क्या मजेदार छोले बनेंगे आज तो मम्मी। ये आ गई बर्थडे गर्ल। बर्थडे गर्ल आ गई तैयार होके नया सूट पहन के। बता दो भाई बेटे ने गिफ्ट करा है। अगर आप भी ऐसा लेना चाहते हैं तो trending.com पे जाएं। देखिए ये सूट देखिए। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं हर बार। एक किलो नाचा जा रहा है। ये तो मैं एडिटिंग में काटी दूंगा। वो करके दिखाओ। चलो तुम करो तुम करो, तुम कैसे करती हो? लगता ही नहीं पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता, तब तक दूसरा शुरू हो जाता है। आज बनाएंगे हम छोले भटूरे। अच्छा छोले भटूरे। छोले भटूरे। जौहरी साहब आराम कर रही है, टांग के ऊपर टांग रख के, विश नहीं किया है टांग के ऊपर टांग रख के अपनी बीवी को। कुछ है ही नहीं बोलने के लिए जौहरी साहब। बेटा हो पा रहा? बेटा तुमसे अच्छा हो पा रहा है? आज तू कह नहीं सकती कि मैंने कराया, मैंने सारी चीजें करी है, मैंने प्याज भी काटी है। मुझे आज कहने ही नहीं थे, कहने में आलस आता है ना, इसलिए तू कर। आज ये तू जेड काम मैंने किया छोलों का, बस वो तो मैं मैदा भी मार देता नहीं, मम्मी मार रही है इसलिए। काम मत लियो। कसम से मैं तो कभी कभी छोड़ता हूँ, सोचता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ के सब बंद करके खाना बनाना शुरू कर। एक दिन बना लिया। ओए दिल्ली में मैं डेली बनाता था। कुमार सुमेंदु आज भी अपनी मम्मी से लड़ते हैं कि मेरे आज के बैगन खाने हैं। लड़ दोनों। कितना मजा आ रहा था। मम्मी करती है वो वो। मम्मी करती है वो वो। मम्मी मम्मी देख जिस बीमारी का इलाज बता रही थी वो बीमारी मम्मी को खुद लग गई। और मम्मी को अपने मैके वालों को देख के तो खून लगती है वो बीमारी।
नहीं अच्छा करती नहीं आप अपने मैके वालों के सामने देख के वो वाली बीमारी खूब कीर्ति के सामने होती है उनके सामने गड़बड़ होती है। ये देखो हमारे छोले भटूरे ये फूल गए देखो। मैंने कुछ तारीफ सुनी थी मेरी बारे में। व्हाट अबाउट यू मिस वैष्णवीरा, चाटे खा लो तुम तो। अंशी से कह रहा हूँ छोले भटूरे और ये हमारी पागल। अब बताओ किस लिए मिली है ये ट्रॉफी बर्थडे के उपलक्ष में? वालों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ, वो लोग आके खुद अपने हाथ से देते मुझे ये ट्रॉफी तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए, वेरी वेरी थैंक यू। तो अभी मम्मी के लिए केक आ गया बट मम्मी को नहीं पता है, और अब हम थोड़ा सा प्रैंक करेंगे। मम्मी से पूछेंगे कि खाना बन गया नहीं बन गया। मम्मी भूख लग रही है यार, ये क्या बात है, 9 बजे हैं ऐसे ही ब्लॉग बना रहे हैं। मम्मी के पीछे पीछे भाग रही है, मम्मी के पीछे पीछे ओवरऑल मम्मी ने सारा सरप्राइज खराब कर दिया। मम्मी नहीं पापा, पापा भी इन्वॉल्व थे इसमें, दोनों की साजिश थी। मम्मी तो वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं भी तो स्त्री हूँ, मैं इस तरह हूँ। मैं इस तरह हूँ, मैं गोरा लग रहा हूँ। अरे सो गया। मम्मी को जब बर्थडे करने वाला टैग अच्छा नहीं लगा। आई एम नॉट लेडी, आई एम लेडी। ये अम्मा का गिफ्ट, ये केक, और ये पापा। पापा इतने आलसी हैं कि पापा से शर्ट भी नहीं पहनी जाती। पापा के पास कम से कम सबसे घर में सबसे ज्यादा कपड़े पापा के पास ही होंगे, पहनते नहीं है बस। आपके लगा देंगे, जिसका बर्थडे होता है उसके लगता है। उल्टा लगा दिया, चलो। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो अरे दो लोग तालियां तो बजा लो जो दोनों बैठे हुए हैं। देखियो इधर आ जाओ, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हैप्पी बर्थडे हो गया, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। कपड़े मिल गए गरीबों को, दूसरा गिफ्ट अच्छी हिसाब से, दूसरा गिफ्ट अगले साल से इसकी भी बर्थडे मनाई जाएगी है। एक दिन पहले इसका बर्थडे, 15 तारीख को, 16 तारीख को मम्मी का, पापा का बर्थडे, मम्मी का बर्थडे। पापा तो उठ के केक भी निकला है। मम्मी पापा ने विश किया नहीं किया, उस पे किया फेसबुक पर। मेरा जीवन साथी वो भी पूरा। सब दाढ़ी में लग गया। केक बढ़िया, नाइस केक। मैं खा लेता हूँ। यम्मी है यार।
हाँ मम्मी, आज आपका बर्थडे हो गया, आपको कैसा लगा? अबाउट योर विशेस। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया, बहुत अच्छा लगा, सबके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और मेरे बच्चों ने मेरा मुझे एक सरप्राइज दिया जो मुझे पता ही नहीं था, केक आ रहा है। आपको पहले से पता था, आपने फ्रिज खोल के देख लिया था। नहीं तो ब्लॉगिंग में तो बोलूं, नहीं ब्लॉगिंग में हमने बता दिया कि मम्मी ने हमारा सरप्राइज खत्म खराब कर दिया। दोनों बच्चों ने मुझे सरप्राइज दिया, बहुत अच्छा लगा। ये तो बस खाने में लगी रहती है। चलो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि क्या हमारे पास पैसे आने शुरू हो।